Hello, welcome to Arbind, Singh Academy. We are going to discuss today trigonometry, and this is the topic from class 11th. And we have already discussed a 6-video lecture on this topic. I hope you have already watched part 1 to part 6 before watching this part 7. In this lecture, we are going to discuss about compound angle. What is compound angle and what is the use of compound angle? How we can derive the formula of compound angle and all. So, आज की क्लास में हम ये बात करने वाले हैं कि compound angle कैसे काम करता है और क्या मतलब है compound angle का. सबसे पहले सीखते हैं कि compound angle होता क्या है. जैसे दो angle है और हम उसको joint plus करना चाहें या minus करना चाहें तो उसको हम कहेंगे compound angle. जैसे मान लीजिए कि ये एक initial line है और हमने यहाँ पे एक angle बनाया, ये x और ये y है, ठीक है. अब यहाँ पे एक ले लेते हैं कि ये एक एंगल बनाया हमने x a, मान लेते हैं इस एंगल का नाम दे दिया हमने एंगल a. इसके ऊपर अगर और एक हम बनाएं एंगल b तो ऐसे बनेगा, ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, है ना, एंगल b. तो ये हो गया एंगल b, ये एंगल हो गया बी. तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, ऑब्वियस है. तो इस डायग्राम में आपने देखा कि यहाँ पे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंगल ए बी सी, ये नाम ले लिया हमने पी क्यू. पी क्यू परपेंडिकुलर है इस पे और यहां से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया ये पी आर. ये पूरा 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है. तो अगर ये ए है तो ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये एंगल भी क्या होगा, ए होगा. और ये होगा 90 माइनस ए, तो ये होगा 90 माइनस ए. और 90 माइनस ए होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, है ना, ये हो जाएगा एंगल ए. सो दैट विल बी एंगल ए. एक बार ध्यान से समझे, अगर ये ए है, चूंकि ये ए है तो ये ए होगा अल्टरनेट एंगल, और ये पूरा 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस ए हो गया, ये हो गया 90 माइनस ए. और 90 माइनस ए हो गया, 90 डिग्री है तो ये हो गया ए. ये एंगल ए है, ये बी है. अब इसमें चूंकि ये राइट एंगल है, हमने परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ किया है जी, परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब है कि ये राइट एंगल ट्रेंगल हो गया. अब इस राइट एंगल ट्रेंगल में यहाँ पे ये नाम दे दें इसका भी कुछ एम, और इसका नाम दे देते हैं एन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अब इस एंगल में आप देखेंगे कि साइन ए हमें लिखना है, साइन ए प्लस बी, तो कितना लिखेंगे, पूरा ए प्लस बी. ये अपोजिट साइड हो गया पीएम और ये हो गया हाइपोटेनस. सो लेट मी राइट कि हमने लिखा साइन ए प्लस बी, और साइन ए प्लस बी हो गया कितना कि ये पीएम अपॉन कितना, तो ओपी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अब पीएम क्या है, पीएम जो है वो है पी आर प्लस आर एम, दैट इज पी आर प्लस आर एम डिवाइडेड बाई ओपी. ओके, सो पी आर डिवाइडेड बाई ओपी प्लस आर एम डिवाइडेड बाई ओपी, है ना. पी आर, ध्यान से देखें, पी आर इज दिस डिवाइडेड बाई ओपी. अब इसका कोई रिलेशन तो बन नहीं रहा, इस ट्रेंगल में पी आर और पी क्यू हाइपोटेनस से अगर पी आर लिखे तो पी आर में हम पी क्यू से डिवाइड कर देते हैं, पी आर डिवाइडेड बाई पी क्यू इंटू पी क्यू से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं डिवाइडेड बाई ओपी. प्लस सिमिलरली आर एम, आर एम इन फैक्ट आर एम इज इक्वल टू यू कैन राइट क्यू एन, सो क्यू एन डिवाइडेड बाई ओ क्यू, है ना, एंड ओ मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइडेड बाय व्हाट, ओपी. अब अगर इस बात को देखें तो क्या क्या हो सकता है, जरा देखिए. इस ट्रेंगल में पी आर डिवाइडेड बाय पी क्यू, पी आर डिवाइडेड बाय पी क्यू इज इक्वल टू व्हाट, इस एंगल के लिए सामने वाला अपोजिट साइड है और ये है बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू कॉस ए, सो दिस इज नथिंग एल्स बट कॉस ए. पी क्यू अपॉन ओ पी, व्हाट इज दिस, पी क्यू, PQ is this and OP is this, है ना.
तो ये देखिए, इस एंगल के लिए सामने वाला साइड है PQ, और ये सामने वाली अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा, साइन बी प्लस ओ एन क्यू एन, क्या है क्यू एन, ये है, ये ए के सामने है, एंगल ए के सामने है अपोजिट साइड, अपॉन हाइपोटेनस ओ क्यू, तो ये हो गया साइन ए, और ओ क्यू डिवाइडेड बाई ओ पी। ओ क्यू क्या है, ध्यान से देखें, ये है बेस और ये है हाइपोटेनस। बेस इस ट्रेंगल में, इस राइट एंगल ट्रेंगल में, ये है बेस और ये है हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कौन से एंगल के लिए, बी एंगल के लिए, तो ये हो गया कॉस बी। इसलिए साइन ए प्लस बी ऐसा आ गया कि साइन ए, इसको अरेंज करें तो ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सो साइन ए प्लस बी कैन बी रिटन एज, फॉर्मूला आ गया हमारे पास कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला आ गया, और इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, है ना, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरह से हम निकालना चाहें अगर कॉस ए प्लस बी का, तो वो भी होगा कि कॉस ए प्लस बी क्या होगा, बताइए, कॉस ए प्लस बी अगर हम निकालना चाहें तो इस राइट एंगल ट्रेंगल में ओ पी एम में, ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ओ पी एम में कॉस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी तो ये पूरा एंगल है, तो इस पूरे एंगल में ये बेस हो गया और ये हो गया हाइपोटेनस, तो हो गया ओ एम अपॉन ओ पी। ओ एम को क्या लिख सकते हैं जी, ओ एन माइनस एम एन, ओ एन माइनस एम एन अपॉन ओ पी, एंड अगेन वी कैन राइट ओ एन अपॉन ओ पी माइनस एम एन अपॉन ओ पी, और एम एन किसके बराबर है, आर क्यू के, तो आर क्यू अपॉन ओ पी लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा और डिटेल में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखें, ओ एन ओ एन इज द बेस एंड हाइपोटेनस इज ओ क्यू, सो वी कैन राइट ओ एन डिवाइडेड बाई ओ क्यू इंटू ओ क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, ओ क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइडेड बाई ओ पी, ये हो गया, जरा ध्यान से देखें इसे, ओ क्यू अपॉन ओ पी राइट, माइनस आर क्यू इज दिस, एंड इस राइट एंगल ट्रेंगल में हाइपोटेनस क्या है, पी क्यू, तो पी क्यू से डिवाइड कर देंगे, आर क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू मल्टीप्लाई बाई पी क्यू डिवाइडेड बाई ओ पी, और ये क्या हो गया, आप ट्रेंगल में देखें, ट्रेंगल में इस देखेंगे ओ एन बाई ओ क्यू, ओ एन इज द बेस एंड ओ क्यू इज हाइपोटेनस, दिस इज कॉस ए, कॉस ए एंड ओ क्यू अपॉन ओ पी, ओ क्यू इज दिस एंड ओ पी इज दिस, तो ये हो, ये भी हो गया, इस बी एंगल के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस ए कॉस बी, माइनस आर क्यू क्या है, आर क्यू ये है इस ए एंगल के सामने वाला साइड है और ये है हाइपोटेनस, तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस साइन, तो साइन ए, और पी क्यू अपॉन पी क्यू ये है बी के सामने वाला, और ओ पी क्या है इसका, हाइपोटेनस है, तो साइन बी। इस तरह से ये फॉर्मूला आ गया, साइन ए कॉस बी आ गया फॉर्मूला हमारे पास, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी तरह से आप टेन के लिए भी निकाल सकते हैं, और उसके लिए भी फॉर्मूला आएगा टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, आप चाहें तो इसे निकाल सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है डेरिवेशन आपको जानना, हमने तो इसलिए बता दिया ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े कि टेन ए प्लस बी क्या होगा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। अगर इसी तरह से हम कॉट के लिए फॉर्मूला निकालें तो कॉट में इसी को आप डेराइव करेंगे तो आ जाएगा कॉट ए, फॉर्मूला होगा कॉट ए माइनस बी का, कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी माइनस प्लस कॉट ए कॉट ए। अगर इसी चीज को, फॉर्मूले को अगर याद करने के दृष्टिकोण से
हम एक साथ लिखें, यानी ये एडिशन के लिए है। अगर इसको सब्ट्रैक्शन के लिए लिखें तो फॉर्मूला आएगा, इकट्ठे लिखते हैं ताकि याद करने में सहूलियत हो। जैसे साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला आया हमारे पास, एक बार फिर लिख देता हूँ। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू आया था हमारे पास साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर ए माइनस बी का हमें निकालना हो, ये माइनस हो तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और कोई नई बात नहीं है। यानी साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ऊपर वाला साइन ऊपर वाले के लिए, नीचे वाला साइन नीचे वाले के लिए। इसी तरह से कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला जो होगा वो याद करने के लिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही आया था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर माइनस हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। यानी ऊपर वाली साइन ऊपर के लिए, प्लस वाले में माइनस और माइनस वाले में प्लस। इसी तरह से टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टैन ए प्लस टैन बी अपॉन वन माइनस टैन ए टैन बी, टैन ए टैन बी। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ माइनस हो जाएगा और नीचे प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से इनको याद रख सकते हैं। इसी तरह से कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला अभी आपने देखा, कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। अगर नीचे यहाँ माइनस हो तो यहाँ पे हो जाएगा नीचे प्लस और यहाँ हो जाएगा माइनस। सो यू कैन रिमेम्बर ऑल दिस फोर फॉर्मूला, 1 2 3 4, इन चारों को अच्छी तरह से याद कर ले। याद करने के बाद आप इसके एप्लीकेशन देख पाएंगे। तो आगे अभी इसके कुछ एप्लीकेशन देखते हैं, फिर इस पे बात करेंगे। इसके एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें निकालना है कि टैन 75 डिग्री की वैल्यू क्या है। टैन 75 डिग्री तो हमें वैसे तो पता है नहीं, लेकिन हमें पता है 45 और 30 की वैल्यू पता है ना। 45 डिग्री और 30 डिग्री की वैल्यू है। इन प्लेस ऑफ ए और बी, अगर इसको ए मान लिया जाए इसको बी मान लिया जाए, तो फॉर्मूले के हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं टेन 45 प्लस टेन 30 अपॉन वन माइनस टेन 45 टेन 30। अब टेन 45 की वैल्यू तो हमें मालूम है, दैट इज वन। टेन 30 की वैल्यू 1/√3, टेन वन माइनस वन इंटू 1/√3। अगर एलसीएम लें तो ये √3 + 1/√3 आएगा, यहाँ √3 - 1/√3 आएगा। √3 √3 कैंसिल और ये हो जाएगा इसका आंसर। इसको अगर रैशनलाइज कर दें चाहे तो ये √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो व्हाट विल हैपन, √3 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 - 1, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो व्हाट विल हैपन, 3 + 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab √3/2, यानी 4 + 2√3/2। 2 से डिवाइड कर दें तो 2 + √3, यानी टेन 75 को आप याद रख सकते हैं √3 + 1/√3 - 1, या आप टेन 75 को याद रख सकते हैं 2√3। तो ये दोनों ही काम की वैल्यू है, आप कहीं पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए, मान लीजिए कि 15 का निकालना है, तो आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, टेन 15 निकालना हो तो 15 डिग्री, तो ये लिख देंगे 45 - 30 डिग्री, है ना। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा तो ऐसे ही लगा देंगे, तो ये हो जाएगा टेन 45 - 10 30 अपॉन 1 + 10 45 10 30। वैल्यू रखेंगे तो ऊपर में माइनस आएगा नीचे में प्लस आएगा, मतलब ये आ जाएगा √3 - 1/√3 + 1। तो ये हो गया टेन 15 की वैल्यू। आप इसको भी रेशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा 2 - √3। सो इस तरीके से वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए कि किसी को निकालना है कि कॉस 15 निकालना है, तो कॉस 15 कैसे निकालेगा, वो भी लिख देगा कॉस 60 - 45 या 45 - 30, कुछ भी लिख सकते हैं। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए कॉस बी माइनस वाले में प्लस होता है साइन ए साइन बी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा कॉस 60 की वैल्यू 1/2,
कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 45 की 1/√2। तो ये वैल्यू आ गई √3, यहाँ से +1, √3 +1 अपॉन 2√2, तो ये वैल्यू आ गया। अगर आपको कहा जाए कि साइन 105 डिग्री की वैल्यू निकालें तो आप क्या करेंगे? 105 में किसको आप जानते हैं? आप 60 प्लस 45 लिख सकते हैं इसको, है ना? तो इसको लिख सकते हैं आप 60 प्लस 45, साइन 60 प्लस 45, है ना, 105। सो दैट कैन बी रिटन एज साइन 60 कॉस 45 प्लस कॉस 60 साइन 45, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन? दैट विल बी √3/2 इनटू 1/√2 प्लस 1/2 इनटू 1/√2। व्हाट इज दैट? √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। तो इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कुछ नोन वैल्यू आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, जो आप निकालना चाहते हैं, ठीक है। कोई और वैल्यू जो आप मेमोराइज करना चाहेंगे तो वो इसी तरह का है कि टेन 15 और टेन 30 की वैल्यू आपको, 75 की वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। अगर साइन 75 की निकालनी हो हमें तो हम यही लिख देंगे साइन 30 प्लस 45, अगेन दैट इज साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 30 साइन 75 45। सो व्हाट विल हैपन? 1/2 इनटू 1/√2 प्लस √3/2 इनटू 1/√2, और ये क्या हो गया? √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। तो ये वैल्यू आ गई सेम। आपको पता है साइन 75 कॉस 15 के बराबर ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हैं दोनों की वैल्यू बराबर इसलिए होगी कि साइन 75 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 15, और साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, दैट इज कॉस 15। सो दैट इज वाई कॉस 15 की वैल्यू और साइन 75 की वैल्यू भी बराबर हो गई। अब आप सोच रहे होंगे तो 105 की वैल्यू बराबर क्यों हुई? क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि साइन 105 की वैल्यू भी उतनी होगी। कैसे होगी? क्योंकि साइन 105 डिग्री इज इक्वल टू लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 15, और साइन 90 प्लस 15 इज व्हाट? 90 प्लस थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में एक तो फंक्शन बदल जाएगा कॉस, और थीटा की जगह पे 15 डिग्री है, तो इस सब वैल्यू बराबर होगा साइन 15 इज इक्वल टू कॉस 15, साइन 75 इज इक्वल टू कॉस 15, साइन 105 इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस 15, एंड देयर फोर इन तीनों की वैल्यू बराबर आएगी। तो इस तरीके से इन फॉर्मूलों की मदद से हम कोई कुछ वेल नोन वैल्यू निकाल सकते हैं। 15 के मल्टीपल में कोई भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं और जो हमें पता नहीं है, ठीक है। आइए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 3.3 का, पहला क्वेश्चन है ये, देखिए लिखा है कि साइन स्क्वायर पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स आपको पता है कितना होता है, वैल्यू निकालनी है, सिर्फ वैल्यू रखना है। पाई बाई सिक्स 30 डिग्री होता है, और 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2, लेकिन ये है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिया। कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 होता है, तो इसका भी स्क्वायर कर दिया। टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, तो उसका भी स्क्वायर कर दिया। 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, 1/4 प्लस 1/4 इज 2/4, दैट इज 1/2 माइनस 1, दैट इज 1 माइनस 2/2 इज इक्वल टू माइनस 1/2, एंड दिस इज व्हाट आरएचएस। सो ये प्रूफ हो गया। इस तरह से बड़ी आसानी से सिर्फ वैल्यू रखना है, वैल्यू आपको याद होगा तो आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6, 2 इंटू साइन पाई बाई 6 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लिख देंगे, प्लस साइन है प्लस दे देंगे। कोसेक 7 पाई बाई 6, अब ध्यान से देखिए कोसेक 7 पाई बाई 6 कितना होगा? इसको लिख सकते हैं कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6, पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? ये जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है? माइनस, फंक्शन नहीं बदलेगा, पाई का मल्टीपल है इसलिए। अब ये हो गया साइन 30 का उल्टा, साइन 30 1/2, इसका उल्टा माइनस 2, तो ये आ गया माइनस 2, लेकिन ये भी है स्क्वायर, तो माइनस टू का स्क्वायर लिख देंगे।
30 होता है 1/2, 1 by cos 60 होता है 1/2, सॉरी 5/3 60, और 60 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर कर दिया, ये हो गया 2 × 1/4 प्लस 4, ये हो गया × 1/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये 1/2 यहाँ से बच गया और यहाँ से 1 × 1, व्हाट इज दैट, 3/2, इस तरह से ये आंसर होगा। तो ये छोटे छोटे सवाल आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर π/6, π/6 इज 30 डिग्री, कॉट 30 की वैल्यू √3/√3 होता है, इसलिए स्क्वायर कर देंगे। कोसेक π/6, अगेन कोसेक π/6 कैन बी कैलकुलेटेड, 5π/6 कैन बी कैलकुलेटेड एज कोसेक 5π/6 को लिख सकते हैं कोसेक π-π/6, π-π/6 इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, दैट इज कोसेक π/6, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है, और ये कोसेक 30 का उल्टा, साइन 30 का उल्टा, साइन 30 1/2, उसका उल्टा 2, तो ये हो गया 2 सिंपली, प्लस 3, टैन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 3 × 1/3, 3 3 कैंसिल, 3 + 2 + 1 दैट इज 6, आर एच एस यही है ना, तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए ये क्वेश्चन है कुछ इस तरह का। टू इंटू साइन 3π/4 की वैल्यू निकालनी है, साइन π-π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, sin π/4, sin π/4 इज 1/√2, तो sin 3π/4 1/√2, 1/√2 चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, प्लस 2 cos π/4, cos π/4 की वैल्यू भी 1/√2 होती है और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, 2 sec 60, cos 60 का उल्टा, cos 60 1/2, उसका उल्टा 2, 2 का फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, ये हो गया 2 × 1/2 प्लस 2 × 1/2 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, व्हाट इज लेफ्ट, 1 + 1 + 8 एंड दैट इज 10, आर एच एस यही है, तो इस तरीके से इसको प्रूफ किया जा सकता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना, तो आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ और सवाल लेते हैं इस एक्सरसाइज से, ये जैसे निकालना है तो हमने अभी बताया आपको एप्लीकेशन, साइन 75 निकालना है तो हम लिख देंगे साइन 45 + 30 दैट इज साइन 75, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन 30 एंड दैट इज 1/√2 × √3/2 प्लस 1/√2 × 1/2, व्हाट इज दैट, √3 + 1/√2 आंसर हो गया। टेन 50 निकालना है, अभी हमने किया था, ये आपने देखा था √3 - 1/√3 + 1 आया था, या इसको कह सकते हैं दैट इज 2 - √3 किया था, 45 - 30 लिख सकते हैं या 60 - 45 कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से ही आंसर आ जाएगा। तो अब आई फॉर्मूले की बारी, देखिए यहाँ पे कॉस ए कॉस बी, अगर इस पूरे को हम ए मान लें और इस एंगल को बी मान लें, तो ये भी ए हो गया और ये हो गया बी, तो ये कन्वर्ट हो गया कैसा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, अभी आपने देखा था कि इसको अगर ए मान ले इसको बी मान ले तो ये हो गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या फॉर्मूला होता है, दैट विल कन्वर्ट इन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी एंड दिस फॉर्मूला विल बी हैपन व्हाट, क्या होगा ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, और ए आपने किसको माना था यहाँ पे π/4 - x को, और बी किसको माना था π/4 - y को, ये हो गया π/4 + π/4 π/2 माइनस एक्स प्लस वाई, अब कॉस 90 - थीटा इज व्हाट, साइन थीटा, तो साइन एक्स प्लस वाई,
ये है आरएचएस। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। सामने क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। ये है टेन एक्स पाई बाई फोर प्लस एक्स पाई बाई फोर माइनस एक्स। सिंपली हम फॉर्मूला लिखते हैं फ्रॉम एलएचएस, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, टेन पाई बाई फोर प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन पाई बाई फोर टेन एक्स। इसी तरह से नीचे वाला भी अगर फॉर्मूला लिखें तो ये हो जाएगा टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स। टेन पाई बाई फोर वन होता है तो ये हो जाएगा वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स। यहाँ हो जाएगा वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स। इसको लिख सकते हैं वन प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन एक्स इंटू, ये चीज ऊपर जाकर उल्टा हो जाएगा, वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स। एंड व्हाट इज दैट? सेम थिंग प्रोडक्ट वाइज, दैट इज वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स होल स्क्वायर। ये प्रूफ करना था हमें, है ना? प्रूफ हो गया, दैट इज आरएचएस। आई होप यू गॉट इट। नाउ अगला सवाल है, ध्यान से देखें। कॉस पाई प्लस सिक्स, कॉस पाई प्लस सिक्स कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा जी? कॉस पाई प्लस सिक्स थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? माइनस, तो माइनस कॉस एक्स, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सो एक्स कॉस एक्स। साइन पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स। कॉस पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल है तो ये साइन में कन्वर्ट होगा और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस में भी होगा, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे बच गया साइन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर इज कॉट स्क्वायर एक्स। इस तरह से इसको प्रूफ किया जा सकता है, आरएचएस हो गया, है ना? यहाँ पे वैसा ही कुछ है, ध्यान से देखें। कॉस थ्री पाई बाई टू प्लस एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? माइनस, प्लस होता है और ये बदल जाएगा साइन एक्स में, तो ये हो गया प्लस साइन एक्स। कॉस टू पाई प्लस एक्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और यहाँ चूंकि पाई के मल्टीपल है इसलिए फंक्शन बदलेगा नहीं, कॉस एक्स। अब यहाँ पे बच गया कॉट थ्री पाई बाई टू माइनस एक्स, ये लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? प्लस, और कॉट किस में कन्वर्ट हो जाता है? टेन में, तो ये हो गया टेन एक्स। प्लस कॉट टू पाई प्लस एक्स, टू पाई प्लस एक्स लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और टू पाई का मल्टीपल है इसलिए फंक्शन बदलेगा नहीं, तो ये हो गया कॉट एक्स। अब हम इसे लिख सकते हैं साइन एक्स कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, तो ये हो गया साइन एक्स कॉस एक्स इंटू साइन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एंड एलसीएम इज साइन एक्स कॉस एक्स। ये इससे कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज वन, सो दिस इज आरएचएस। इस तरीके से इस सवाल को किया जा सकता है, ठीक है? अब ये एक सवाल है, चला देखिए इसमें क्या है। इस पूरे एंगल को अगर मैं ए मान लू और इस पूरे एंगल को बी मान लू तो फिर इसको ए मानना पड़ेगा और इसको बी मानना पड़ेगा। ये हो गया साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, यानी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ऐसा कुछ हो गया, है ना? इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं है। दैट इज व्हाट? कॉस बी माइनस ए लिख सकते हैं, ए माइनस बी भी लिख सकते हैं। अब बी क्या है जी? तो बी है एन प्लस टू एक्स, बड़ा वाला पहले है इसलिए लिख दिया एन बाई टू एक्स। ए क्या है? एन प्लस वन इंटू एक्स। अब ये क्या बच जाएगा, जरा ध्यान से देखिए। एक्स बाहर ले लूं तो मिल जाएगा एन प्लस टू माइनस एन माइनस वन इंटू एक्स। एन से एन कैंसिल हो गया, टू माइनस वन इज वन, सो वन एक्स इज एक्स, सो दिस इज व्हाट आर एच एस। ये प्रूव करना था, हो गया। तो आप देख रहे हैं कि फॉर्मूला याद करने से सवाल जो है वो दिन सेकेंड कन्वर्ट हो जाता है ना? कर सकते हैं। अब इस सवाल को भी देख लीजिए, क्या है ये, देखिए ध्यान से।
3 pi by 4 minus x cos 3 pi by 4 minus x is equal to this. वैसे तो इसको करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं. तो cos 3 pi by 4 cos x minus sin 3 pi by 4 sin x, ये हो गया. फिर माइनस, अब cos a minus b है, तो इसको लिख सकते हैं cos 3 pi by 4 cos x plus sin 3 pi by 4 sin x, ना. अब अगर ब्रैकेट हटाऊं तो ये मिल जाएगा cos 3 pi by 4 cos x minus sin 3 pi by 4 sin x minus cos 3 pi by 4 cos x minus plus minus minus sin 3 pi by 4 into sin x. This is the same thing, so cancels out. और ये दोनों negative sign के साथ है, इसलिए हो जाएगा twice. Twice of sin 3 pi by 4 into sin x minus twice of sin 3 pi by 4 क्या होगा? तो अगर हम calculate करना चाहें sin 3 pi by 4 को, तो हम लिख सकते हैं sin pi minus pi by 4, sin pi minus pi by 4, and what is that? Sin pi by 4. तो उसकी value होगी 1 by root 2, है ना? So this is 2 into 1 by root 2 into sin x. ये कट गया, तो ये क्या मिल जाएगा? Root 2 times, और ये हो गया sin x बचा है यहाँ पे, तो ये हो गया minus root 2 sin x, है ना? See, ये minus sin, ये root 2 हो गया minus root 2 sin x. यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया. देख रहे हैं, ये प्रूफ करना था. So I mean to say that if you learn the formula well, you can solve all the questions quickly without any hesitation, without any obstacle. So hopefully you got some questions, how to deal with those questions which can be used by formula, which can be solved by using the formula of compound angle a plus b, a minus b, etc. Some more questions will discuss in next class with multiple and sub-multiple angle. So first we will introduce the multiple and sub-multiple, what is the meaning of it, and thereafter some formula we will derive, and then we will solve some questions as well. So till then, God bless, goodbye.